तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डेजर्ट में यूपी की स्पेशलिटी इमरती, जो खाने में बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बनती है और इसे कई दिनों तक हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। कई जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि अमृती, अमिती, झांगरी। तो बनाना शुरू करते हैं। इमरती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 125 ग्राम दाल ली है, यानी कि 125 ग्राम दाल ली थी, जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए एक जार लिया है, उसमें दाल को हम डाल देंगे और दाल डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी 4-5 चम्मच पानी ऐड किया है और पीसते टाइम पर मैंने 4-5 चम्मच पानी और ऐड किया है, जिससे मेरी दाल का पेस्ट देखिए एकदम फाइन, बिल्कुल अच्छे से दाल पिस चुकी है। अगर फिर भी आपकी दाल पिसने में प्रॉब्लम होती है, अगर सही से नहीं पिस पा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन दाल को पतला नहीं करना है। और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच मैदा ऐड कर देना, तो उससे आपका पेस्ट बिल्कुल अच्छा बनेगा। इस तरीके का थिक पेस्ट ही हमें चाहिए, क्योंकि जब हम दाल को फैटेंगे तो दाल बहुत हल्की हो जाती है, तो उससे बैटर थोड़ा लाइट हो जाता है। जो दाल का पेस्ट हमने तैयार किया है उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर आपको ज़रूरत लगे पीसते टाइम पे तो उसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने दाल को एक बड़े बर्तन में डाला है और उसमें अच्छे से मैं इसको फैट लूँगी। इसको फैटने में मुझे लगभग 10 मिनट लगे हैं, तो 10 मिनट में दाल अच्छे से फिट गई है। अब मैं इसमें 1 पिंच ऑरेंज कलर डाल देंगे। अगर आप कलर नहीं डालना चाहें तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं बिना कलर के भी। कलर ऐड करने के बाद में इसको 1-2 मिनट के लिए और फैट लेंगे। दाल अच्छे से फिट गई है, इसको बाद में थोड़ा सा और फैट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 125 ग्राम चीनी ली है, 125 ग्राम चीनी है और 125 ml ही हम इसमें पानी डाल देंगे। मतलब ये है कि आप जिस कप से चीनी ले रहे हैं उसी कप से आप पानी ले लें, दोनों चीज़ें हम बराबर लेंगे। इसका फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसकी चाशनी को बनाएंगे। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। इसमें हम 1 इलायची और कुछ केसर के दाने डाल देंगे। केसर मैंने भिगो के नहीं डाला है इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है, जिससे अच्छा सा कलर आ जाएगा चाशनी में भी। हमें इसके लिए चिपचिपी चाशनी चाहिए होगी, एकदम अच्छी चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, मतलब हाथों में अच्छे से चिपचिपी हो लगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे चाशनी हमारी बन गई है, तो मैं गैस को इस टाइम पे ऑफ कर दूंगी। चाशनी बनकर तैयार हो गई है, चाशनी को हम साइड में रख देते हैं। अब हम इमरतियाँ बना लेते हैं। तो इमरती बनाने के लिए एक बार मैं आपको बैटर दिखा देती हूँ कि बैटर अच्छे से फिटा है या नहीं। तो मैं पानी में डालकर यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से ऊपर पानी में आ गया है। आपको इसी तरीके का बैटर चाहिए। अब मैं इसको एक कॉर्न में डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये घर पर ही बनाई है कॉर्न, तो इसमें मैं इस बैटर को डाल दूँगी। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप दूध की थैली से भी बना सकते हैं, इसको इजीली बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैटर को डाल देंगे इसमें और ऊपर से रबड़ लगाकर हम इसको अच्छे से पैक कर लेंगे, जिससे कि ये कहीं से भी बैटर हमारा बाहर ना निकले। तो यहाँ पर कॉर्न तो तैयार है हमारी, मैं इससे आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ इमरती। देखिए बिल्कुल एकदम अच्छी परफेक्ट एकदम शेप में बन रही है ये। इमरतियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई यानी कि एक फ्लैट पैन लिया है, उसमें मैं इमरतियों को फ्राई करूँगी। या जो कढ़ाई लें आप वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो बैटर इधर उधर भागेगा। देखिए मैंने जो ऑयल गर्म किया है वो बिल्कुल नॉर्मल गर्म है, इसमें घूम रही है ऑयल में, तो इसका मतलब है कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बना है। और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखें जब आप इमरतियाँ डालें, मतलब आप इसकी शेप बनाएं, क्योंकि अगर गैस तेज होगी तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा, ये इधर उधर भागेगा। आप लो फ्लेम पर ही और कम कम गर्म ऑयल में ही इसको फैलाएं, जिससे कि अच्छे से शेप में फैल जाए अपने आप ही। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया शेप में और एकदम अच्छी सी इमरतियाँ बनकर तैयार हैं। अगर शेप ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको चाशनी में गर्म गर्म ही इनको चाशनी में हम डिप कर देंगे, ये अच्छे से सोख कर लेंगी, गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी इमरतियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए डालते टाइम पे तेल थोड़ा कम गरम होना चाहिए, उसके बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम गैस फ्लेम पर ही इमरतियों को फ्राई करें। तो इसी
और इसे आप ऑयल में, घी में, जैसे आप चाहें उसमें फ्राई कर सकते हैं। इमरती बनाते टाइम बस ध्यान रखने वाली चीज़ है तो दाल की फिटाई और पिसाई, दो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो इमरती ऑटोमेटिक अपने आप ही अच्छी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया इमरती बनकर तैयार हो गई है हमारी। इतने से बैटर में से आधा केजी के लगभग इमरती बनी है हमारी। टोटल भी घर पर इतनी बढ़िया इमरती बना सकते हैं, सिर्फ आप बनाते टाइम पे दाल को अच्छे से पीसें पहले और फिर उसको अच्छे से फेंटेंगे तो आपकी इमरती एकदम क्रिस्पी, जूसी और बहुत ही बढ़िया इमरती बनकर तैयार होगी। चाशनी बनाते टाइम पे भी ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उतना ही आप उसमें पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा उसकी अच्छी चिपचिपी चाशनी आप तैयार कर लीजिएगा, तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसी तरीके से देखिए कितनी बढ़िया इमरती घर पर बनकर तैयार हो सकती हैं। आपने कभी सोचा है ऐसे कि हम घर पर इतनी इजीली इमरती बना सकते हैं? ज़्यादा सोचिए मत, फटाफट से बना डालिए। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और घर में सबको बनाकर खिलाइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे ऐसी और बढ़िया अच्छी रेसिपीज़ के साथ में।